Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. firheen and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know, that we are on chapter number seven. The name of our chapter is Electricity and Magnetism.

माई डियर स्टूडेंट्स बिफोर दैट लेट्स क्विकली री कैप वॉट वी डिड इन द प्रीवियस के लिए आपको क्वेश्चन को वर्स सुनना है मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिम ऑन अ मैग्नेट एक मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कहां मैक्सिमम होती है ऑन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट वेरी गुड ओके माई डियर स्टूडेंट सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड सो वट इज मैग्नेटिक फील्ड The area around the magnet where magnetism uh, is detected is known as magnetic field. सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज टाइम फॉर एन एक्टिविटी सो एक्टिविटी में हम क्या करेंगे आपकी बुक में ही एक्सपेरिमेंट दिया गया है एक्सपेरिमेंट नंबर फोर ऑन पेज नंबर नाइंटी एट हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है हमें द अर्थ एज अूज मैग्नेट जो है हम फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द मटीरियल दैट इज रिक्वायर्ड टू बार मैग्नेट्स एंड आयरन स्टैंड हमें बार मैग्नेट चाहिए और आयरन स्टैंड चाहिए सो द प्रोसीजर इज सस्पेंड वन ऑफ द मैग्नेट्स मैगनेट थ्रेड टाइड विद आयरन स्टैंड एज परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सपेरिमेंट किया था एग्जैक्टली exactly वैसे ही आयरन स्टैंड के साथ हमने बार मैग्नेट को हैंग करना है देन ब्रिंग द मैग्नेट इन योर हैंड नियर द सस्पेंडेड मैग्नेट इन एनी डायरेक्शन डिट द सस्पेंडेड मैग्नेट चेंजेस डायरेक्शन रिमूव द मैग्नेट इन योर हैंड एंड अलाउ द सस्पेंडेड मैग्नेट मूव फ्रीली what uh, was the new direction it attained reason the direction on the suspended magnet attained in a free state is that is the direction of the earth that also acts as a magnet सो माय डियर स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट हम इससे फाइंड आउट करेंगे पहले हम एक्टिविटी करते हैं तो so, सबसे पहले हमने क्या करना है इसी तरीके से आयरन स्टैंड के ऊपर आपने फ्रीली जो है एक मैग्नेट को हैंग करना है एंड देन द अदर बार मैग्नेट आपने इसको इसके करीब लेकर आना है सो इंस्टेंटली यू विल सी दैट इट विल स्टार्ट रोटेटिंग ठीक है यू कैन सी दैट इट विल स्टार्ट मूविंग ठीक है डायरेक्शन चेंज करता है यहां अगर ये फ्री है इसको एक दफा बिल्कुल स्टेशनरी कर लें ये स्टेशनरी हो गया नाउ ब्रिंग द मैग्नेट क्लोज टू इट डायरेक्शन चेंज हो रही है कैन यू सी इट डायरेक्शन चेंज हो रही है यस सो नाउ आई विल प्लेस दिस मैग्नेट अवे और अब आप देखें कि ये डायरेक्शन क्या इसकी क्या है सो so, अब इसकी डायरेक्शन जो है इट इज अकॉर्डिंग टू द अर्थ डायरेक्शन क्योंकि जो आपका अर्थ है इट एक्ट लाइक ह्यूज मैग्नेट कैसे ये एक ह्यूज मैग्नेट की तरह एक्ट करता है हेयर इज अ ग्लोब जो कि अब आप देखेंगे सो दीज आर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सो दीज आर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट सो ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करते हैं जिस तरीके से ये मैग्नेट एक्ट करता है सो so, अगर आप ये चीज सोचें कि ये जो मैग्नेट है ये अर्थ जो है दिस इज अ मैग्नेट सो इसी तरीके से ये जो मैग्नेट है ये बिहेव करेगा तो जितने भी मैग्नेट इस दुनिया में है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ अज़रअंदाज होती है और वो अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलाइन करते हैं अगर इसके पास कोई मैग्नेट नहीं है इफ आई पुट इट अवे इसके पास अब कोई मैग्नेट नहीं है तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली अपने आप को अलाइन करेगा ठीक है अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अर्थ सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल अर्थ एक्ट एज अज मैग्नेट एज द मैग्नेट अलाइंस इट साउथ पोल टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द अर्थ एंड नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द साउथ पोल सो माई डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ है लाइक पोल्स जो है मैग्नेट की रिपेल करेंगे जो आपका नॉर्थ पोल है आ, वो अपने आप को साउथ की तरफ अलाइन करेगा और जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो अर्थ के साउथ की तरफ अपने आप को अलाइन करेगा क्योंकि ओपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर जो है वो रिपेल करते हैं सो so, इस तरीके से जो अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली वैसी होती है जैसे कि एक बार मैग्नेट की होती है जो कि हमने आयरन फिलिंग से भी डिटेक्ट की थी सो इन टेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई अर्थ एज हेज मैग्नेट एंड डेमोस्ट्रेटेड विद एन एक्सपेरिमेंट हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे सो डू यू नो वाई अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है क्या आपको इस बारे में पता है ह्यूज मैग्नेट किसी बच्चे को पता है नहीं पता चले मैं हूं ना मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील क्यों होती है सो माई डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हम जल्दी से रीडिंग पेज ओपन करते हैं सो यू विल ओपन द अर्थ एज अज मैग्नेट इन योर साइंस फाइव बुक्स चैप्टर नंबर सेवन दिस इज पेज नंबर नाइनटी एट आई होप एवरीबडी हैज ओपन द बुक्स तो नाउ लेट स्टार्ट द रीडिंग द अर्थ एज अज मैग्नेट

इन साइड पार्ट ऑफ द अर्थ द वेरी डीप डाउन इन साइड ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर इसको क्या कहते हैं कोर कहते हैं सो दिस येलो पार्ट इज नोन एज द कोर इसको हम क्या कहते हैं इट इज नोन एज द कोर ऑफ द अर्थ द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज मेडअप ऑफ लिक्विड आयरन अब ये जो कोर है अर्थ की इसके टू पार्ट है इनर पार्ट एंड द आउटर पार्ट तो आपको अगर क्लियरली नजर आ रहा हो तो द इनर पार्ट मैंने जो है उसको थोड़ा सा लाइट किया है जो आउटर कोर है उसको थोड़ा सा डार्क येलो किया है सो so, ये किस चीज से बना हुआ है जो आउटर कोर है बाहर वाली कोर है दैट इज मेड अप ऑफ लिक्विड आयरन ये लिक्विड आयरन से बनी हुई है पिघले हुए लोहे से बनी हुई है अर्थ का आउटर कोर जो है द लिक्विड आयरन इज चार्ज ये जो लिक्विड आयरन है ये चार्ज हुआ हुआ होता है ठीक है इट हैज चार्जेस इन इट द मेजर सोर्स ऑफ अर्थ सो अर्थ की मैग्नेटिज्म इसी वजह से है बिकॉज ऑफ दिस कोर इस कोर के अंदर क्या है जो इनर कोर है ये आयरन से बनी हुई है जो आउटर कोर है ये लिक्विड आयरन से बनी हुई है और ये लिक्विड आयरन जो है ये चार्ज्ड है इसी की वजह से अर्थ जो है

सो so, आयरन जब आपका जो अर्थ है जब ये अपने एक्सेस पे रोटेट करता है इस तरीके से तो जो ये लिक्विड आयरन इसके अंदर भरा हुआ है इसकी कोर के अंदर वो इसके साथ मूव करता है जब वो इसके साथ मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है सो so, इस तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अर्थ स्पिन भी कर रहा है और अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा है अराउंड द अर्थ राउंड सन लेकिन ये जो इसकी अपने एक्सेस पे स्पिनिंग है दिस इज द स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सेस ठीक है इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है क्योंकि जो चार्ज लिक्विड आयरन है इसके अंदर वो भी इसके साथ साथ मूव करता है सो सिमिलर टू बार मैग्नेट्स द अर्थ जियोग्राफिक मैग्नेट हैज टू पोल्स So, इसी तरह जिस तरह एक बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं इसी तरह अर्थ के भी ज्योग्राफिकली दो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ एंड साउथ हाउ एवर साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड वाइस वर्सा सो माई डियर स्टूडेंट्स लेकिन अगर ये अर्थ का नॉर्थ है तो बार मैग्नेट का ये साउथ होगा क्यों जल्दी से सोच के बताएं इफ दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ लेकिन बार मैग्नेट का ये साउथ होगा बार मैग्नेट अपने आप साउथ वर्ड इसके साथ अलाइन करेगा वाई इज इट सो बिकॉज ओपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं सो so, इसी वजह से नॉर्थ के साथ साउथ पोल जाएगा सो so, इंपॉर्टेंस क्या है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑन कैंपस टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपस से हम डायरेक्शंस जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में समझाऊंगी किस तरीके से लेकिन ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है अर्थ की मैग्नेटिज्म की कि इसकी वजह से हम डायरेक्शंस जो हैं वो कंपस पे फाइंड आउट कर लेते हैं इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं और एनिमल्स जो हैं दे ऑल्सो फाइंड दियर राइट डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और जो uh, मौसमी परिंदे होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो भी नेविगेशन uh, जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करते हैं इसके अलावा एक और फायदा क्या है यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इट इज वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट सो दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स इनको हेल्प आउट करता है नेविगेशन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड इट ऑल्सो हेल्प्स आस टू लोकेट द डायरेक्शन नेविगेशन थ्रू कंपस में हेल्प करती है हमें अर्थ की मैग्नेटिज्म इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा क्या है कि जो मैग्नेटिज्म जो अर्थ की मैग्नेटिज़्म है ये क्या करती है कि ये ऐसी एक फील्ड अर्थ के इर्द गिर्द जनरेट कर देती है एक ऐसी फील्ड ये अर्थ के इर्द गिर्द जनरेट करती है जिसकी वजह से जो सन की हार्मफुल रेज हैं वो उनको ब्लॉक करती है ये मैग्नेटिज्म जो है ये सन की हार्मफुल रेज को ब्लॉक करती है सो so, ये एक और फायदा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर अवेल्यूएशन सो क्विकली टेल मी दैट वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स द माइग्रेटरी बर्ड्स इन नेविगेशन हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन थ्रू कैंपस एंड इट ऑल्सो ब्लॉक्स द The magnetic field around the Earth also blocks the harmful rays of the sun. Okay, my dear students. For practice, what you will do is you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the class, and then start doing the worksheet. Magnetism and Earth: How Earth's magnetic field is produced? Earth ki magnetic field kaise produce hoti hai? Quickly tell me. When the Earth

So, my dear students, sir, now is the time for homework. For homework, you will do question number three from uh, uh, from exercise B given on page number one hundred and two. Earth is a giant magnet. How? You have write down. You can also take help from the book. Do it in your notebooks. And in today's lecture, we have learned that when the Earth spins on its axis, the charged material present inside its core also tends to move, and because of its this rotation, a magnetic field is produced. सो माय डियर स्टूडेंट्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अर्थ की अपने एक्सेस पे स्पिन होने की वजह से मोल्टन आयरन के मूव करने की वजह से जो है ये जनरेट होती है आई होप यू हैव इनजॉय टूडेज लेक्चर कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ हैव ए गुड डे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़